नमस्कार दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम बेसन के चिल्ले। बेसन के चीले के लिए जो सामान चाहिए, हमने 1 कप बेसन लिया है और थोड़े 4-5 हरी मिर्ची ली है, थोड़ी सी धनिया ली है और 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं और प्याज लिए। हमने 1 प्याज को चॉप कर लिया है और हमने हल्दी ली है, नमक लिया है, काला नमक लिया है, लाल मिर्ची ली है स्वाद अनुसार और हमने इसके अंदर अजवाइन ली है डालने के लिए। थोड़ी सी 1 पिंच हमने हींग डालेंगे। अब एक बर्तन के अंदर हम अपना जो 1 बाउल बेसन लिया था वो डाल देंगे। अब इसके अंदर हम हल्दी मिक्स कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालना है और काला नमक मिला देंगे, लाल मिर्ची पाउडर और अजवाइन को थोड़ी क्रश करके डालेंगे। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती क्रश करने से। एक पिंच हम हींग डाल देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। हमें घोल को ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला हमें घोल को ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखना है, बिल्कुल मीडियम साइज से जो गिरने लगे ऊपर से एकदम से। हमारा घोल तैयार है, अब से बनाने की ओर चलते हैं। गैस पे रख दिया है, अब इसके अंदर हम रिफाइंड डालेंगे। 4 साइड से इसकी साइड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा चीला है वो चिपके नहीं। इसे बनाने से पहले 5 मिनट तक फेंट लेंगे। चीले को 1 साइड से 2 मिनट तक पकने देंगे। चीला 1 साइड से पक चुका है, इसको हम फ्लिप कर लेंगे, दूसरी साइड से भी पका लेंगे। हमारा चीला बनके तैयार है, अब इसे निकाल लेंगे। हमारा चीला जो है दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हमने इसको निकाल लिया है। इसी तरीके से हम सारे चीलों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे चीलों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे भी 1 साइड से 2 मिनट तक पका लेंगे, फिर इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। दूसरी साइड से भी इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। हमारा चीला बनके तैयार है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे चीले जो हैं वो बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को करना है लाइक और ज़्यादा से करना है कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।